अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, HTML5 एंड CSS3 की एक और क्लास में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। व्यूवर्स, इस क्लास में हम लोग जितनी भी हमने पिछली क्लासेस में जो है वो नॉलेज सीखी है HTML CSS के बारे में, उसको यूज़ करते हुए हमें एक सिंपल सा ये जो लेआउट है वो बेसिकली हम लोग क्रिएट करेंगे। इससे रिलेटेड एक हमने पहले भी सिंपल लेआउट जो है वो बनाया था जब मैंने आपको CSS के अंदर फ्लोट्स जो है वो पढ़ाए थे। तो इस क्लास में भी हम काम करेंगे कि सिंपल सा जो है इस लेआउट का एक कंप्लीट वेब पेज जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ये लेआउट जो समझा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले जो कि जितने भी बॉक्सेस हैं ये बेसिकली आप HTML के अंदर जब मार्कअप बनाओगे तो आप इनको डिव्स के थ्रू जो है वो बनाओगे। ये अलग अलग डिविजन्स जो है वो मैंने पेजेस के बनाए हुए हैं। सबसे पहले ये जो हमारा डेव है इसको आप रेपर या कंटेनर जो है वो कह सकते हो कि जितने भी हमारे सब डिवीजन होंगे वो इस रेपर या कंटेनर के अंदर जो हमारे वो एडजस्ट होंगे। उसके बाद ये हमारा हेडर है, इसी तरह से एक ये हमारे पास फुटर का डेव है और ये जो डेव है वो हमारे पास बेसिकली कंटेंट का डेव है और उसके अंदर भी हमारे पास दो मजीद और डेव है, एक साइड बार के लिए और दूसरा हमारे पास मेन कॉन्टेंट के लिए। आप HTML और CSS को यूज़ करके किसी भी डिज़ाइन का लेआउट जो है वो बना सकते हैं। तो मैं आपको कुछ लेआउट जो है वो बना के दिखाऊंगा, उसके बाद आप कोई भी जो लेआउट है उसको काफ़ी आसानी के साथ जो है वो बना सकते हैं। अब इसको मैंने ऑलरेडी जो है वो नोटपैड प्लस प्लस में कोड करके जो है वो रखा हुआ है। ये जो अभी हमने यहाँ पे ग्राफिकली लेआउट देखा है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे मेरे पास यहाँ पे सिंपल एक HTML का पेज है, वहाँ पे मैंने एक डिव बनाया है जिसका नाम है कंटेनर, या इसको आप रेपर कह लो या नाम आप कोई भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। देन उसके अंदर एक और सब डिव है जिसका नाम है हेडर, लाइक यहाँ पे जिसे मैंने पिक्चर में किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर एक सब डिव है जिसका नाम है कंटेंट और वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। उस कंटेंट के डिव के अंदर दो और सब डिव्स है मेरे पास, एक साइड बार के लिए और दूसरा मेन के लिए। सबको मैंने क्लासेस दी हुई है, आप आईडी भी यूज कर सकते हैं। और जो मेन जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग टू के एलिमेंट और पैराग्राफ वगैरह जो है वो लगाए हुए हैं। इसके बाद एंड में हमारे पास यहाँ पे जो फुटर का जो है वो डिव यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। अब अगर आप HTML5 यूज़ कर रहे हैं तो आप इनकी क्लासेस भी बना सकते हैं, या आप सिंपली यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं, फुटर जो है वो बना सकते हैं। फुटर का अलग से एलिमेंट भी आता है तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हेडर के लिए भी आप अगर अलग से डिव नहीं बनाते, हेडर का एलिमेंट यूज करते हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अभी मैं इसको थोड़ा सिंपल रख रहा हूँ और ये लेआउट मैं आपको जो है क्लास के अंदर बना के दिखाऊंगा। ओके, इस पॉइंट पे अगर हम इस पेज को जो है वो ब्राउजर में अगर रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का जो है वो लेआउट बना हुआ है। अब सबसे पहले मैं इसको जो है वो फॉर्मेट करना शुरू करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी इसके साथ जो CSS की फाइल है वो यहाँ पे लिंक की हुई है। तो CSS की फाइल में आएंगे हम लोग। सबसे पहले मैं जो है बॉडी को लेट्स से बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ लाइट ग्रे, ओके। उसके बाद जो हमारे पास ये कंटेनर की डिव है इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और इसको आपको पता है कि जब भी कभी हम CSS के थ्रू क्लास को टारगेट करते हैं तो हम डॉट देन उस क्लास का नाम लिखते हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसकी बॉडी में यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ लेट्स से वाइट। उसके बाद इसके अंदर हम लोग विड्थ जो है वो डिफाइन कर लेते हैं, लाइक इसको मैं 800 पिक्सल की विड्थ देखता हूँ। अब मेरे पास जो ये लैपटॉप है इसकी जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी क्योंकि हाई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं 100% भी देखूँ तो 800 पिक्सल की विड्थ जो है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है। आप इसको जो है वो परसेंट के अंदर भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिख दूँ कि स्क्रीन का जो 90% एरिया है उसको आप इसकी विड्थ में जो है वो यूज़ करो तो आपके पास आप देख सकते हैं कि 90% जो है इसकी विड्थ में यूज़ हो रही है। और ये आपकी जो है ना वो टाइट डिज़ाइन नहीं होती है, फ्लो डिज़ाइन होती है अगर आप इसको छोटा भी करेंगे विंडो को। देखिए अब इस पॉइंट पे जितनी भी विंडो है जब भी कभी आप परसेंटेज में लिखते हैं कोई भी वैल्यूज तो जो आपका डिज़ाइन होता है वो फ्लो डिज़ाइन होता है। देखिए जितनी भी इस वक्त स्क्रीन है उसका 90% इसकी विड्थ है डिव की
और 20% यहाँ पे आ रहा है। आप परसेंट में भी दे सकते हैं, आप इसको अगर रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो परसेंट में आप यूनिट यूज करें, वरना आप इसको पिक्सल्स में भी दे सकते हैं। तो अभी मैंने इसको 90% स्क्रीन का जो है वो विड्थ दे दी। इसके अलावा यहाँ पे मैं इसको जो है वो मार्जिन ऑटो के दे देता हूँ। अब ये मैंने आपको लास्ट कुछ क्लासेस में भी दिखाया था, इससे क्या होगा कि हमारी जो ये डिव है बिल्कुल सेंटर पे जो है वो पेज पर एडजस्ट हो जाएगी। अब देख सकते हैं, अब उसके बाद मैं इस हेडर को फॉर्मेट करता हूँ और फुटर को फॉर्मेट करता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे मैं लिखूंगा, सबसे पहले हेडर को कर लेते हैं डॉट, ये सारी क्योंकि मैंने क्लासेस बनाई हुई थी यहाँ पे मैं डॉट यूज कर रहा हूँ। इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट्स से ब्लू, और टेक्स्ट डैश अलाइन इसकी कर देते हैं हम लोग सेंटर, और पैडिंग भी आई थिंक थोड़ी सी दे देते हैं 10px की। अभी हमारे पास हेडर भी जो है वो बन गया। अगर आप इसमें बैकग्राउंड में पिक्चर यूज करना चाहते हैं तो आप पिक्चर भी यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे इन दोनों डिव्स को जो है वो फॉर्मेट करना है। सबसे पहले मैं काम करता हूँ जो मेरे पास कंटेंट का डिव है, यानी कि ये वाला डिव। अब कंटेंट के डिव के अंदर हमारे पास साइड बार और मेन का डिव भी मौजूद है, जिसकी क्लास है साइड बार और मेन। यहाँ पे कंटेंट को मैं थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ, लेट्स से 10px कर देते हैं अभी के लिए। ओके, अब मैं इसको भी अलग से विड्थ दूंगा और इसको भी अलग से विड्थ दे दूंगा। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइड बार, और यहाँ पे मैं इसको विड्थ दे देता हूँ। अब क्योंकि मैंने उसको भी परसेंट में यूज किया है, तो उसको भी मैं परसेंटेज में ही विड्थ दे देता हूँ, लाइक 20% ऑफ द स्क्रीन। और अभी सिर्फ विड्थ ही देते हैं। अभी देखें इसकी 20% विड्थ है, लेकिन अभी भी देखो ये जो आपका कंटेंट है ये वाला, ये यहाँ पे जो है वो शो नहीं हो रहा, ये यहाँ पे आना चाहिए इसके साथ। तो उसके लिए हम लोग जो है वो आपको पता है कि फ्लोट यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली मेन की जो हमारी डिव है उसको भी मैं थोड़ा सा विड्थ दे देता हूँ, लेट्स से स्क्रीन का 75%, और उसको हम लोग कर देंगे फ्लोट टू द राइट। अच्छा देखिए, इसको मैंने फ्लोट जैसे ही राइट किया, ये जो रिजल्ट है वो हमारे पास कुछ इस तरह शो हो रहा है, क्योंकि जो ये वाला डिव है हमारे पास फुटर, ये मसला कर रहा है, ये थोड़ा मतलब फ्लो से बाहर जा रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए मतलब मुझे इसको कहीं पे भी फ्लोट नहीं करवाना, मैं चाहता हूँ कि ये नीचे ही रहे। तो उसके लिए मुझे एक और प्रॉपर्टी जो है वो यूज करनी होती है। हम लोग करेंगे इसका सॉल्यूशन है कि हम सबसे पहले फुटर को टारगेट करेंगे, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है क्लियर। अगर आप क्लियर बोथ कर देंगे ना, तो दोनों साइड से जो फ्लोटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, यानी ये डिव आपके पास नॉर्मली जो है वो शो हो जाएगा। अभी भी देखो ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुई। मैं काम करता हूँ साइड बार को भी मैं लेफ्ट में फ्लोट करा देता हूँ, फिर देखते हैं लेफ्ट। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही तरीके से जैसे हम चाह रहे थे वैसे फॉर्मेटिंग हो गई है। अब जो फॉर्मेटिंग मैंने हेडर को लगाई है वही फॉर्मेटिंग मिलट से फुटर को लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे सीएसएस के अंदर हेडर कामा डॉट फुटर, डॉट इसलिए क्योंकि क्लास है। अब इसको अब यहाँ पे एक और आप अगर चीज देखें, पहले तो मैं इसका कलर जो है वो व्हाइट कर देता हूँ। कि जो आपके पास बैकग्राउंड कलर नहीं, कलर व्हाइट करना था। ओके, देखिए यहाँ पे जो हेडर की साइज है विड्थ वो ज्यादा बड़ी है और फुटर की छोटी है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने एलिमेंट यूज किया हुआ है वो हेडिंग है और वो खुद ही काफी ज्यादा स्पेस लेता है, और फिर मैंने पैडिंग यूज की 10px की तो ये इतना बड़ा लग रहा है, और यहाँ पे पैराग्राफ है क्योंकि तभी आपको छोटा नजर आ रहा है। अगर आप इसको भी अलग से विड्थ देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको टारगेट करके अलग से विड्थ भी दे सकते हैं। सॉरी हाइट, विड्थ तो सही है 200px की देखते हैं हाइट ज्यादा होगी 100
अच्छा एक और बात है, अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट डैश अलाइन मैंने जो यूज किया है, इससे आपकी हॉरिजॉन्टली तो टेक्स्ट सेंटर पे आ रही है लेकिन वर्टिकली जो सेंटर पे नहीं आ रही, तो इसकी भी एक ट्रिक सिखा देता हूँ मैं। उसके लिए हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसका नाम है लाइन हाइट। अब लाइन हाइट वैसे करती गया है, मैं आपको पैराग्राफ पे यूज करके दिखाता हूँ। ई को टारगेट किया मैंने और यहाँ पे अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूँ लाइन हाइट की, तो जो ईच लाइन और उसकी हाइट इससे जो है वो डिफाइन होती है कि मतलब आप समझे कि लाइंस के बीच में जो स्पेस है ना वो कंट्रोल होती है। अगर यहाँ पे मैं 40 कर दूंगा आप देखेंगे कि आपके पास ये स्पेस जो है वो बढ़ रहा है। उसको मैं बढ़ा देता हूँ अभी क्योंकि जो है वो हमारा कंटेंट जो है वो कम है, तो वेबसाइट की जो हाइट है वो कम नजर आ रही है, या मैं दोनों डिव्स की हाइट भी बढ़ा सकता हूँ। अच्छा मुझे ये सेंटर पे करनी है ना वर्टिकली, और इसको भी सेंटर पे करना है, तो जितनी इसकी हाइट है, इसकी हाइट कितनी फुटर की 100 px, तो मैं इसको यहाँ पे लाइन हाइट अगर दे दूँ 100 px की, तो आप देखेंगे कि जो वर्टिकली है ये भी जो टेक्स्ट है इसमें सेंटर हो जाएगा। देखें तो ये एक हमने सिंपल सा, अच्छा मैंने लास्ट कुछ क्लासेस में आपको जो नेविगेशन है उनको फॉर्मेट करना भी सिखाया था, उसकी अलग से क्लास है। अगर आप इनको थोड़ा सा और फॉर्मेट करना चाहते हैं एज अ ब्लॉग या इस तरह से, तो आप वो भी वीडियो यूज देख के जो है उसको कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी के साथ कितने कम टाइम में एक सिंपल सा जो लेआउट है वो क्रिएट किया है यहाँ पे। अगर आप इनको अलग अलग बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तब भी दे सकते हैं, ये अलग डिव है, ये अलग डिव है, और ये दोनों अलग डिव है। आप कोई भी लेआउट अगर यहाँ पे स्केच करते हैं सबसे पहले, उसको फिर आप डिव्स बनाकर देन उसको आप सीजन अप्लाई कर सकते हो। इस पॉइंट पे अगर मैं ये सीजन का कोड डिलीट कर दूँ और इसको सेव करके बराबर में देखूँ, आपका ये एक्चुअल कॉन्टेंट है, यानी अलग दो 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 लेयर है। अगर आप मार्कअप देखोगे तो आपका सिंपली इस तरह से वेबसाइट है, अगर आप इसमें सीजेस लगा दोगे तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह हो जाएगी। अगर आपने इससे भी बेहतर थीम्स हम लोग बनाना सीखेंगे आगे की कुछ क्लासेस में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पूरी अलग से प्ले लिस्ट बनाऊंगा मैं, जिसमें सीजन सीरीज की जितनी भी न्यू प्रॉपर्टीज है लाइक बॉक्स शेडो, टेक्स्ट शेडो, या फिर ग्रेडियंट्स हैं, या फिर एनिमेशन की, फ्रेम एनिमेशन और ट्रांजिशन की जैसी सीजेस की प्रॉपर्टीज है सीजन सीरीज की, हम लोग वो उस प्लेलिस्ट के अंदर जो है कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग HTML5 के कुछ और नए जो एलिमेंट्स हैं वो कवर करने के बाद एडवांस जो है वो अपने वेब के लेआउट जो है बनाना सीखेंगे। तो अगर आपको ये जो है वो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।